नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल केयर पटना में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मेरे पास बनने आया है 1 गीगावाइट का मदरबोर्ड। ये गीगावाइट का Z370 MD3S मदरबोर्ड है। देखते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेसर और रैम लगा के इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने प्रोसेसर लगा दिया है इसमें और रैम भी लगा दिया है मैंने, पावर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। चलिए हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही प्रॉब्लम है इसका, ये ऑन होता है और उसके बाद फिर से ऑफ हो जाता है। चलिए दोस्तों, पहले इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें वोल्टेज चेक करेंगे और पार्ट्स चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले इसका पिन बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर कोई भी पिन टेढ़ा रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए दोस्तों, सारा का सारा पिन ठीक है, इसमें पिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए दोस्तों, और हम लोग देखते हैं इस बोर्ड में पहले रेगुलेटर चेंज करके, रेगुलेटर से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। देखिए ये रेगुलेटर लगा हुआ है और मेरे पास ये दूसरा उसका रेगुलेटर है, और रेगुलेटर है मेरे पास तो चलो। देखिए दोस्तों, मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे काम भी करने हैं और वीडियो भी बनाना है। देख लीजिए, ये मैंने रेगुलेटर को निकाल दिया है, अब मैं इसमें दूसरा रेगुलेटर लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें रेगुलेटर प्लेस कर दिया है और थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। चलिए अब इसको चेक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, रेगुलेटर लग चुका है इसमें और मैंने इसमें पावर लगाया है और मैंने थोड़ी सी साफ सफाई भी कर दी है। चलिए अब मैं इसमें लाइन पावर दे के देखता हूँ। फिर से ऑन हो गया है, और ये प्रोसेसर भी इसका हीट हो रहा है और बत्ती भी इसका नहीं जल उठ रहा है, रिस्टार्ट नहीं हो रहा है ये। चलिए इसमें मैं कीबोर्ड लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें फैन लगा देता हूँ, फिर मैं इसमें कीबोर्ड लगाता हूँ। ये देखते देखते मैंने सेटअप लगा दिया, ये देखेंगे मॉनिटर है, इसमें पावर देते हैं। ये देखिए वो ऑन हो गए हैं खुद से। ये देखिए इसमें डिस्प्ले भी आ चुके हैं और यहाँ कीबोर्ड में लाइट भी आ गया है। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम था दोस्तों, वो पावर रेगुलेटर का ही था।